नमस्कार, आप देख रहे हैं रिजियाना न्यूज। मैं दीपक रजक आपका स्वागत करता हूं। आइए रुक करते हैं दिन भर की खास खबरों की तरफ। प्रशासन और पंचायत की अनदेखी के चलते ग्राम झागर हुआ जलमग्न। झागर ग्राम में कई जगह दो दो फीट तक पानी आ गया है। दुकानों और मकानों में भी भर गया है पानी, जिसके चलते लोगों को खासी परेशानी उठानी पड़ रही है। बता दें कि झागर ग्राम में पानी भर जाने से छबड़ा कोटा होते हुए जयपुर जाने का रास्ता भी अवरुद्ध हो गया है। वहीं झागर के पुलिया पर तेज बहाव में पानी आ जाने से दोनों तरफ लोगों का हुजूम सा लग गया है। कई तो ऐसे मुसाफिर हैं जिन्हें इस रास्ते से आगे की तरफ जाना है। वहीं महिलाएं और बच्चे भी इस पानी के चलते फंस गए हैं। सुबह से ही ना तो प्रशासन का कोई नुमाइंदा इनकी खोज खबर लेने के लिए पहुंचा और न ही किसी पार्टी के नेता यहां पहुंचने की हिम्मत की। लोगों की दुविधा बस इतने में ही नहीं थी। बाढ़ के साथ पुलिया पर पेड़ का तना आकर फंस गया, जिसके चलते पहले तो गाड़ियां निकल भी रही थी, अब वह भी नहीं निकल पा रही है। आप देख सकते हैं यहाँ पे दुकानों में भी पानी भरा हुआ है और ग्राम झागर की स्थिति है ये। हाँ जी, हाँ, क्या नाम है आपका? मेरा नाम रघुवीर केदार। रघुवीर केदार, ये पानी कैसे गिर रहा है यहाँ पे, कितनी देर से गिर रहा है? मतलब घंटे एक आधा घंटा हो गया, दो घंटे हो चले, दो घंटे से पानी गिर रहा है यहाँ पे। तो ये ऐसे ही भरा हुआ है सब जगह? हाँ बिल्कुल, जब से ऐसे ही भरा हुआ है। ये ऐसी स्थिति है, तो कुछ घरों में भी घुसा है क्या? हाँ, घरों में भी है, आगे कुछ घरों में भी पानी भरा हुआ है। पानी पूरी रात ही गिरा गया? अरे दो घंटा देख सकते हैं सर आप यहाँ। आप यहाँ पे भारी बारिश है और करीब दो घंटे से यहाँ पे जाम लगा हुआ है ग्राम झागर में। बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं यहाँ। तो लोगों के निकलने का भी कोई और दूसरा रास्ता नहीं है यहाँ पे। वहाँ कुछ लोग बाढ़ में फंसे भी हुए हैं पानी के कारण। तकबीर गिरा यहाँ पे, ये करीब कितने घंटे से लगी हुई है? दो तीन घंटे के आसपास। हाँ। अच्छा, यहाँ पे पुलिस का बचाव दल आया था या नहीं? नहीं आया। पुलिस का बचाव दल नहीं है सुरक्षा के लिए? नहीं है। नहीं, तो आप देख सकते हैं सर यहाँ पे पुलिस बल भी तैनात नहीं है। नदी चढ़ी हुई है यहाँ पे और जबकि ग्राम झागर में ही स्वयं चौकी है, उसके बाद भी यहाँ सुरक्षा के इंतजाम नहीं किए जा रहे हैं और जनता को देखिए अपनी जान निकाल जान जोखिम में डालकर नदी पार करना पड़ रही है। झागर पंचायत में यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ नदी नाले एक हो चुके हैं एवं कुछ लोग वहाँ पानी में भी फंसे हुए। पानी में फंसने के बाद भी यहाँ करीब दो तीन घंटे से यहाँ पे जाम लगा हुआ है, लोग रास्ता पार नहीं कर पा रहे हैं। उसके बाद दूसरी बात यह है कि यहाँ पे कोई सुरक्षा के लिए अगर कोई दुर्घटना भी हो जाती है, दुर्घटना अगर हो जाती है तो यहाँ पे अभी पुलिस प्रशासन मौजूद नहीं है, जबकि उसको होना चाहिए। अगर कोई दुर्घटना हो गई यहाँ पे तो उसका जवाबदार कौन होगा? ठीक है। दूसरी बात में आप देख सकते हैं वहाँ पे बीच रास्ते में
पानी का भाव इतना तेज है कि पूरा वो जो पेड़ है आप देख सकते हैं ब्रिज के ऊपर आ चुका है, और अभी तक यहाँ पे कोई सुरक्षा के इंतजाम नहीं किए गए हैं, जनता खुद हटा रही है वहाँ। एक वर्ष बीत जाने के बाद भी लॉ कॉलेज में हुए झगड़े को आरोपियों को गिरफ्तार करने में पुलिस नाकामयाब रही। वहीं आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए राजेंद्र खट्टी का आज फिर पहुंचा पुलिस अधीक्षक कार्यालय। राजेंद्र की माने तो एक वर्ष पूर्व विधि महाविद्यालय में NSUI अध्यक्ष समेत कुछ लोगों ने इसके साथ मारपीट कर दी थी, जिसकी शिकायत थाने में भी की गई थी। इसके बाद भी आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। वहीं राजेंद्र ने बताया कि आरोपी आए दिन उसका रास्ता रोककर धमकी देते हैं कि वह शिकायत वापस ले ले। आरोपियों की गिरफ्तारी हेतु पहले भी राजेंद्र पुलिस अधीक्षक से मिल चुका है, लेकिन आज तक कोई भी कार्रवाई आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए नहीं की गई। वहीं आज फिर राजेंद्र पहुंचा पुलिस अधीक्षक कार्यालय। देखने लायक होगा कि क्या आरोपियों की गिरफ्तारी हो पाएगी या फिर से अपने प्रभाव के चलते गिरफ्तारी से बचते रहेंगे। एक वर्ष पूर्व मेरे साथ लॉ कॉलेज में NSUI अध्यक्ष जिलाध्यक्ष कवेंद्र चौहान, अजीत सिकरवार, अन्नू खान और अंकित सरवैया, इनके द्वारा मेरे साथ मारपीट की गई थी, जिसके संबंध में मैं 2 बार SP साहब से भी मिल चुका हूँ। इन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। 1 साल बीत जाने के बाद भी पुलिस विवेचना के नाम पर केस को दबा रही है तथा आरोपी खुले में पुलिस की मौजूदगी में सार्वजनिक स्थलों पर कार्यक्रमों में जा रहे हैं आ रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी पुलिस उनको ना गिरफ्तार कर रही है ना उन पर कोई कार्रवाई कर रही है। उल्टा SP साहब ने अभी तक कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया इस प्रकरण को लेके। मैं 3 बार SP साहब से भी मिल चुका हूँ। आए दिन इन लोगों के द्वारा मुझे धमकाया जा रहा है, राजीनामा के लिए दबाव बनाया जा रहा है, और चाहे हर कभी कहीं भी रास्ते में रोक लेते हैं और धमकाते हैं मुझे। प्रदेश भर में आज आशा उषा कार्यकर्ताओं ने सीटू के बैनर तले किया मुख्यमंत्री का पुतला दहन। इसी क्रम में हनुमान चौराहे पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का पुतला दहन किया गया। इन कार्यकर्ताओं की मांग है कि उन्हें जल्द से जल्द कर्मचारी का दर्जा दिया जाए एवं नियमित किया जाए। यदि राज्य सरकार इनके नियमितीकरण नहीं करेगी तो आने वाले समय में उग्र आंदोलन के लिए बाधित होंगे। घर घर में होते हैं, ये अगर शिवराज सिंह चौहान की सरकार ने आशा कार्यकर्ताओं को वेतन का भुगतान करना शुरू नहीं किया तो ये समझ ले शिवराज सिंह चौहान करने वाली है ये आशा बहने। आशा उषा सहयोगी एकता यूनियन सीटू के द्वारा प्रदेश भर में ये मुख्यमंत्री का पुतला दहन किया गया, क्योंकि ये भोपाल में महापड़ाव हुआ। लगातार ये आशा बहनें लड़ रही हैं, मगर इसके बाद भी जब सरकार इनकी मांगों को पूरा करने तैयार नहीं हो रही है तो ये व्यापक आंदोलन छेड़ने का आह्वान है। आज ये चेतावनी है, पुतला दहन करने के बाद 23-24 जुलाई को भूख हड़ताल है, 9 अगस्त को ये जेल भरो आंदोलन है और 5 सितंबर को दिल्ली की रैली है। ये सरकार चुनाव के पहले अगर इन आशा बहनों के लिए अगर स्थायी नहीं करती, अगर कर्मचारी का दर्जा नहीं देती, न्यूनतम वेतन नहीं देगी तो ये आगामी जुझारू आंदोलन शुरू किया है। विगत 2 दिन पूर्व भारतीय जनता पार्टी के पूर्व पार्षद को रेलवे पुलिस द्वारा पीटे जाने के बाद आज तबीयत ज्यादा बिगड़ने पर उन्हें ग्वालियर रेफर किया गया। विगत दिवस प्लेटफॉर्म पर पानी लेने गए धीरज कुशवाहा को टिकट चेक करने के लिए पकड़ा एवं रेलवे पुलिस के जवानों द्वारा एवं TT रूम में ले जाकर उनके साथ मारपीट की गई। GRP थाने में मामला दर्ज कर लिया गया था, जिसके बाद युवक को इलाज के लिए जिला अस्पताल लाया गया। युवक के कान से सुनना भी बंद हो गया है एवं शरीर में अंदरूनी कई सारी चोटें भी आई हैं। वहीं रेलवे पुलिस द्वारा मारे जाने का CCTV फुटेज भी सामने आया है, जिसमें साफ दिख रहा है कि युवक किसी से फोन पर बात कर रहा था। वहीं एक पुलिसकर्मी ने उसकी गिरेबान पकड़ी और मारना शुरू कर दिया। इसके बाद उसे टीटी रूम में ले जाकर 4-5 पुलिसकर्मियों द्वारा मारा गया, जिससे उसके शरीर पर चोटें आई हैं, साथ ही अंदरूनी चोटें भी हैं। युवक की हालत बिगड़ने के बाद आज उसे गुना से ग्वालियर रेफर किया गया। अरे भाई।
तो क्या टिकट चाहिए था, टिकट ले लेते, पैसे ले लेते, जुर्माना ले लेते। उनका ये कान बिल्कुल बंद कर दिया है, सुनाई नहीं दे रहा हैगा है, और कमर इतनी दर्द कर रही है, पूरे बदन दर्द कर रहा है, और सिर में इतनी सारी चोटें हैं कि कुछ पूछो नहीं, कान गाल भी कट रहा है इनका। इधर जाते हैं आप? हमें तो नहीं आ चाहिए, वो टीसी ने पुलिस वालों से कटवाया हैगा, और उसको चैम्बर में बंद करके मारा हैगा, मेरे पति के लिए चैम्बर में लेगा वो उधर मारेगा। मतलब कि वो अपना आपा भी खो चुके हैं इस टाइप से, उनकी पूरी उसमें बॉडी में पूरा में क्या आए कि ना खून टाइप का ना जम सा आया उनकी बॉडी में, उनको अंदरूनी चोट दी है, और उसके बाद उनके सेम में भी बहुत खून जमा हुए हैं पूरे टाइप के। डॉक्टर ने बहुत सही है बताया उनको, रेफर करने का कह दिया है। रेफर कहाँ? रेफर हुआ कान में, और एक जो कान का एक कान में से खून भी आया था जिस टाइम पे मैं वहाँ पे गई थी थाने में, तो कान भी खराब हो गया, उस कान से उनको सुनाई नहीं आया, उसका डैमेज बताया है, उसका कहते हैं जाँच भी करवा दी है। मैं तो न्याय का मांग रही मेरे भाई के लिए, और दो तक का उनको सस्पेंड किया जाए, और टीसी मैंने जो टीसी ने ही कह के उनको पिटवाया है, टीसी ने बताया हुआ तभी तो मेरे भाई को पीटा होगा ना। श्री महावीर जिनालय में नवीन जैन मंदिर का 3 दिवसीय भव्य वेदी शिलान्यास का कार्यक्रम आदरणीय बाल ब्रह्मचारी अभिनंदन जी देवीलाल व पंडित संजय जी शास्त्री मंगलायतन के आदि के द्वारा संपन्न कराया गया, जिसमें सकल दिगंबर जैन समाज के अध्यक्ष श्री देशराज जी, वहीं मुक्त समाज के अध्यक्ष श्री अशोक कुमार जैन, बाहर से पधारे हुए अतिथियों ने आयोजन में सम्मिलित होकर अपना सहयोग प्रदान किया। रहने वाले निवासी आज पहुंचे कलेक्टर कार्यालय, इनका कहना है कि इन्हें जो प्रधानमंत्री आवास मिले थे वह गिरने लगे हैं। करीब 25 से 26 कुटीर निर्माण कंचनपुरा में किया गया था, जिसमें से 3 मकान गिर गए हैं, हालांकि अभी इनका निर्माण बाकी है। कंचनपुरा के निवासियों का कहना है कि इतनी बारिश में अब जाएं तो जाएं कहां, पक्के घर मिलने के बाद भी ये कैसे गिर गए यह तो जाँच का विषय है। समस्या जो है कुटी मुटी सब गिर गए साहब, और रहने की व्यवस्था नहीं है हमारे। कितनी कुटी हो गई, क्या हो गया? अमृत 3 कुटी तो मान लो कर गई, 25 कुटी जाती हैं, बेबी गिर रही हैं साहब। गिर रही हैं? हाँ। बारिश से? पहले बारिश से, बारिश तब गिर गई ये कुटी, परसों के दिन गिर गई। गाय से? पानी से। तो कितने लोग परेशान हो रहे हैं उससे? अरे पूरे 25 कुटी बार ही हो रहे हैं परेशान। तो क्या मांग है तुम्हारी? हमें साफ कुटी चाहिए। तो ये कुटी क्या सही नहीं बनी थी? गिर गई? सही नहीं बनी, क्या पक्की थी ना? हाँ पक्की थी, बिल्कुल पक्की। गिर गई? पक्की गिर गई, बिना पिलर की आती। तो अच्छा, बिना पिलर की थी। हाँ। तो उसकी क्या दीवारें गिरी हैं कि छत गिरी है? अरे दीवार गिर गई, अब दीवार गिर गई तो छत भी गिर सकती है। अच्छा, तो मतलब कितनी कुटी है वहाँ पे? 25 है। 25? हाँ। 25 में तो कितनी गिर गई हैं? 25 में अगर 3 मानो गिर गई। अच्छा अच्छा, जो बनी है तो सही है गलत है? नहीं जी, अब बन रहे हैं जी, सही है। हाँ जी, पहले बार ही अति कॉलोनी मिली थी हमें। नहीं तो उनकी निर्माण हुआ है? नहीं, उनका निर्माण सही नहीं हुआ, इसका मतलब बिल्कुल नहीं हुआ। तो क्या क्या हो गए तुम? क्या कहेंगे कि हमें तो बस यही चाहिए साहब, हमें अगर क्या तो बना के दे दो कुटी, और नहीं तो फिर जिन से हमें बाहर नकार दो से हम कितना टपरिए डार खंडा दे रहा झोंपड़ी में पड़ ही रहेंगे, हमको मर मरू जा। म्याना
यहाँ से नई सराय रोड पर पुलिया की मिट्टी धंसी, कभी भी हो सकता है बड़ा हादसा। साल भर से इस मार्ग के हालत बद से बदतर है, आवागमन भी बाधित हो रहा है। आज पुलिया भी धस गई, जिसके बाद बस की सवारी बस में से उतरकर पुलिया में पत्थर डालते देखे गए। हालात ऐसे हैं कि ये कभी भी पलट सकती है। गाड़ी पीछे पीछे कर लिया। दो तीन मोटरसाइकिल गिर गई, गिरे मदद से बच गए, और जब मोटर नीचे जाने वाली है। क्या नाम है आपका? पूरा चंदेल लहरघाट। कहाँ से आ रहे हैं आप? मैं गांव से आ रहा हूँ। सीधी रोड की गाड़ी पलटने से बच रही है, बार बार फिसल रही है। स्टाफ पूरा मदद कर रहा हूँ, क्या करें इसका? स्टाफ ऐसे ही खड़े हैं सब, मोटरसाइकिलों वाले परेशान हैं। तो अभी आप जो कर रहे हैं, पत्थर वगैरह डाल रहे हैं? निकाल रहे हैं मजबूरी। म्याना से हमारे सहयोगी सत्येंद्र तिवारी की रिपोर्ट। यदि आप यूनियन बैंक के एटीएम धारक हैं और आपको अति आवश्यक पैसे की जरूरत पड़ जाती है तो ये खबर आपके लिए है। लक्ष्मी नारायण मंदिर गली में लगे यूनियन बैंक के एटीएम में ना तो इन्वर्टर है और ना ही कोई गार्ड है, जिससे चलते उपभोक्ता हो रहे हैं लगातार परेशान। उपभोक्ताओं के पैसे लाइट चले जाने के चलते मशीन में ही अटक जाते हैं, जो उन्हें वापस नहीं मिलते। इसके बदले में उनके मोबाइल पर पैसे कटने का मैसेज तक आ जाता है। ऐसा एक दो बार नहीं बल्कि कई उपभोक्ताओं के साथ हुआ है। यह एटीएम चोरों को खुला न्योता देता दिख रहा है, क्योंकि यहाँ लगे सीसीटीवी कैमरे लाइट जाते ही बंद हो जाते हैं, जिसका फायदा अपराधी आसानी से उठा सकते हैं। उपभोक्ता परेशान होकर जाए तो जाए कहाँ, क्योंकि गुना के तकरीबन 30% एटीएम मशीन बंद हैं या उनमें पैसे नहीं होते। हाँ, मेरा नाम अनिल रजक है। अभी इस एटीएम से मैंने 1000 रुपए का ट्रांजेक्शन किया था, जिसमें प्रोसेस पूरी होने के बाद पैसे अमाउंट निकलने वाला था, इसकी वजह से लाइट चली गई। तो एटीएम टोटल पूरी तरीके से बंद हो चुका है और मेरा अमाउंट मेरे को मिला नहीं। अब इस एटीएम के ना तो इन्वर्टर है, ना तो यहाँ पर कोई सिक्योरिटी गार्ड है, यहाँ पर टोल फ्री नंबर दिया गया है, तो ये किसी अन्य नंबर से जाके लगता है, ठीक है। ना तो कोई यहाँ पर फैसिलिटी है, लाइट जाने के बाद ना तो कोई वीडियो कैमरा चल रहा है, ना कुछ चल रहा है, कोई फैसिलिटी नहीं है। हाँ, इस एटीएम में एक बार का नहीं है, ये हमेशा ही प्रॉब्लम होती है। जब भी लाइट जाती है, किसी न किसी के पैसे फंसते हैं और वो बेचारा इसको पैसे के इंतजार में खड़ा रहता है, जबकि उसका ट्रांजेक्शन का जो अमाउंट होता है मैसेज के द्वारा कट जाता है, लेकिन उसको अमाउंट नहीं मिलता। सुविधा बढ़ा के इसको ऐसा कर दिया जाए कि ये लाइट जाने पर एटीएम बंद ना हो। डीजीआना न्यूज़ में आज बस इतना ही, कल नई खबरों के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।